गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज मी अन्ना हियर। तो गाइस मैं आज सुबह 5 बजे नागालैंड से अरुणाचल पहुंची हूं और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, हमारे सबके लिए, स्पेशली हमारे अरुणाचल के लिए बहुत बड़े दिन है क्योंकि आज का दिन जो है आई किल्ड माई सन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है आई किल्ड माई सन मूवी का जो प्रीमियर लॉन्च होने वाला है। प्रीमियर को अटेंड करने आ रहे हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू सर जी आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ होम मिनिस्टर श्री बमंग फेलिक्स जी आ रहे हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो लेट मी टेल यू अबाउट आई किल्ड माई सन मूवी। आई किल्ड माई सन मूवी जो है गाइस, ये बेस्ड ऑन ड्रग्स अब्यूज है और ये मूवी का डायरेक्टर जो है बेंग्या मोर्टो सर जी है और इसका प्रोड्यूसर जो है तबा अपा जी है जो मेरा डैड है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आप लोगों को, इस मूवी के स्क्रिप्ट जो पिताजी जब पढ़ा था तो उसको बहुत काफ़ी उसको इंटरेस्ट लगा क्योंकि उसको हमेशा से इंटरेस्ट है सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने का और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उसकी तरफ से थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए तो कुछ चेंजेस लाने के लिए। स्पेशली ये मूवी जो ऑडियंस हमारे यंग जनरेशन को टारगेट करता है, आजकल हमारे अरुणाचल में बहुत सारे यूथ जो है डिप्रेशन से गुजर के और ड्रग अब्यूज़ करते हैं। तो आजकल के यंग जनरेशन जब ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं उनके लिए ही लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उसके साथ ही साथ सारे परिवार को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है लाइफ में और समाज के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो मूवी है आई किल्ड माई सन, इसके ही चलते ही मूवी जो स्क्रिप्ट है उसके चलते ही है और जब मेरे पिताजी ने ये स्क्रिप्ट पढ़ा है तो उनको लगा कि हाँ ये मूवी को जो है बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, मैसेज है आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन अगर ये मूवी देखिए कुछ समझेगा, इमोशंस दोनों साइड के समझेंगे कि परिवार को क्या बिकता है और उसके साथ लाइफ में क्या होता है ये मूवी देख के समझेगा। इसीलिए मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि नॉट ओनली इन एक बिल्कुल बिजनेस तौर तरीका से बिल्कुल सोचा नहीं ये मूवी को रिलीज़ करने, बट एज अ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए और यंग जनरेशन को स्पेशली टारगेट किया है ये मूवी को देख के कुछ ना कुछ उसके अपना लाइफ में कुछ मोटिवेशन आएगा ये सब नहीं करने के लिए। तो उसके चलते ये मूवी जो है आज का दिन में प्रीमियर लॉन्च हो रहे हैं और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे अरुणाचल के लोगों के लिए, ये आज के दिन बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन जो है हमारे अरुणाचल के फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री पे हो रहा है, अरुणाचल हिस्ट्री पे हो रहा है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रहे हैं इस मूवी को सपोर्ट करने के लिए और विटनेस करने के लिए इस प्रीमियर। तो ये रहा पोस्टर, बड़ा से लगाया है यहाँ पर डीके कन्वेंशनल हॉल पे, रिलीजिंग ऑन मार्च 18, आज मार्च 17 है तो आज प्रीमियर लॉन्च हो रहे हैं और कल मूवी रिलीज होगा थिएटर्स में। आई किल्ड माई सन, डायरेक्टर बेंग्या मोर्टो, प्रोड्यूसर तबा अपा और यहाँ पर जितने भी सारे आर्टिस्ट के नाम दिए हैं सारे के सारे हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, हमारे यहाँ के अरुणाचल के आर्टिस्ट हैं और बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी से, हमारे अरुणाचल के सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट इस मूवी पे आपको देखने को। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स फॉर दिस मूवी, ये देखिए कितने सारे लोग आगे आई है मूवी को स्पॉन्सर करने। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे देख के और भी बहुत सारे लोग आएंगे मूवीज़ को स्पॉन्सर करने के लिए। तो गाइस प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, 2 बज गए हैं और हम सब यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल पेमा खांडू सर के लिए और होम मिनिस्टर बमंग फेलिक्स सर के लिए वेट कर रहे हैं। सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पर सब वेट कर रहा है। तो यहाँ पर सब लोग हमारे निशी ट्रेडिशनल के कपड़े पहन के, कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पर रुका है स्वागत करने के लिए। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू सर जी आ गए हैं, चीफ गेस्ट।
आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अवसर है फिल्म आई किल्ड माय सन का प्रीमियर, और ये अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि किसी इंडिजिनियस लोकल फिल्म की स्क्रीनिंग में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल विटनेस करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत एनकरेजिंग मोमेंट है, जो कि हमारे प्रदेश में फिल्म मेकिंग बहुत ही नन्ही अवस्था में है, इसको उड़ान भरना अभी बाकी है। छिटपुट तरीके से क्रिएटिव लोग काम जरूर करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग आएंगे और हमारा हौसला अफजाई करेंगे, ये हमारे कल्पना से परे थे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जब प्रोडक्शन टीम से मुझे सूचना मिली, और मुझे मैं सर मैं अभी सेप्पा में पोस्टेड हूँ, तो सेप्पा से मुझे बुलाया गया कि आपके प्रीमियर में सिर्फ सीएम सर नहीं आ रहे, उनके साथ पूरे असेंबली आ रही है। तो हम नर्वस हो गए, और ये मोमेंट बहुत स्पेशल मोमेंट है हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए, कि हमारे प्रदेश के सबसे बेहतरीन ब्रेन्स जो हमारे प्रदेश को चलाते हैं, वो सारे नेतागण हमारे फिल्म को, हमारी कोशिश को विटनेस करने के लिए आ रहे हैं। मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जितने भी यहां ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे तमाम खास मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतने सारे, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक साथ मैं कैसे एड्रेस करूं मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं किसी को ऐसे एड्रेस नहीं करूंगा। हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, सर लोग तो ऑलरेडी बहुत बिजी और सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सोचते रहते हैं, तो मैंने कहा कि आराम से बात करेंगे और हमारे फिल्म को एंजॉय करने के लिए जस्ट वैसे। तो स्पेशली मैं सीएम सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि जब आप यहाँ अरुणाचल सफरनामा जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैं पीछे सीट पर बैठे देखकर मैं लिटरली मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि थिएटर क्राफ्ट को लेकर के मैंने 15-20 साल मैंने गुजार दिया है, कभी इस तरीके से लाइमलाइट पे ये क्राफ्ट सामने आएंगे ऐसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बीच में मैंने थिएटर करना छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें बड़ी एनर्जी लगती है और इसका जो आउटपुट है, आउटकम, वो कुछ होता नहीं है। और मुझे ये बताते हुए सर बहुत खुशी है कि मेरा एक नाटक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में एमए की हिंदी सिलेबस में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश था। रिकेन जी और जो उनके साथ में टीम लगी हुई थी, उनमें से मैक्सिमम लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग अभी मेथड एक्टिंग में स्पेशलाइज होकर आए हैं, कुछ क्राफ्ट डिजाइनिंग में स्पेशलाइज होकर आए हैं। अब थिएटर का माहौल बन पड़ा है, और आपने नौजवानी के सपनों को इस तरीके से समझा है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सीएम सर के लिए क्लब की जोरदार तालियां बजाएं। और टीम अरुणाचल जिस तरीके से हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, हम समूचे मंत्रिमंडल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अब उस प्रदेश को देख पा रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना किया करते थे। हम इस एक और बात कहना चाह रहे हैं कि अब नौजवानों को जो प्रतिभाशाली है, मेहनती है, गरीब है, वो सपने देख सकते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। हम आपके अमूलचूल जो परिवर्तन आपने किए हैं, उसका हम शुक्रगुजार हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम आपके जमाने में हैं, क्योंकि पहले ऐसा माहौल हुआ करता था कि चुनाव आएंगे तो आपको हम नौकरी देंगे, ऐसे वादे किया करते थे। अब कोई वादा नहीं कर सकता, अभी आपका प्रतिभा तय करेगा कि आपको जाना कहाँ है। इस पहल के लिए हम पूरे टीम अरुणाचल के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं विशेष रूप से स्पेशल मैं इसलिए फील कर रहा हूं कि ये फिल्म जो है बेंगिया मूर्तों का है, अदना सा छोटा सा लड़का है, उनकी
उनकी फिल्म को पूरा मंत्रिमंडल देखने आए। ये यूथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जो फीलिंग है ना, इसके लिए हम सर का हम थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 17 सालों से मैं छोटी छोटी क्रिएटिव काम कर रहा हूं, कभी इस तरीके का सपोर्ट मैंने सपने में भी देखा भी नहीं है और ये कल्पना में भी नहीं थी, लेकिन आज वो मुमकिन हो रहा है, उसके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं। चलिए हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं और आई किल माई सन टीम के जितने कास्ट है उनको मैं ऑन स्टेज आमंत्रित करना चाहूंगा। अब मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर को ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगा। आप है श्री तबा आपा, प्रोड्यूसर आई किल माई सन। आप वैसे तो नाहरलगन में रहते हैं और बेसिकली आप एक बिजनेसमैन हैं, आप DL Enterprises के मालिक हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आगामी ये फिल्म है जिसको हम विटनेस करने जा रहे हैं उनके आप प्रोड्यूसर हैं। मैं आज के कार्यक्रम की चीफ गेस्ट हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज आए और हमारी टीम की तरफ से जो गुलदस्ता पेश किए जा रहे हैं सर प्लीज एक्सेप्ट करें। अरे मैं ऑडियंस की तरफ से तालियों की कमी से महसूस कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आप अपनी सीट ले लीजिए। बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री एवं IPR मंत्री श्री बामंग फेलिक्स जी मौजूद हैं। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर बेगिया मोर्तो से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप ऑन स्टेज आए और मैं फेलिक्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज ऑन स्टेज आए और हमारी टीम आई किल माई सन की ओर से दिए जा रहे तोहफे को प्लीज कबूल करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप है चेयरमैन ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म्स, आप चेयरमैन ग्रीन गोल्ड। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितना भी यहाँ में सब आए बहुत थैंक्स यहाँ में आने के लिए। एक स्टेट का एक छोटा सा फिल्म मेकर और इतना बड़ा सपना लेके आया था और आज वो सपना पूरा होते हुए देख रहा है मेरे आंखों के सामने। मैं हमेशा एक सोचता था कि एक ऐसा फिल्म बनाऊंगा जो पूरा अरुणाचल देखेगा, बट आज पूरा अरुणाचल यहाँ पे आया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और इसी तरह हमेशा मैं फिल्म बनाऊंगा, मेरा एक ही सपना है फिल्म बनाने का। मुझे पॉलिटिक्स आता नहीं है, कंट्रैक्ट आता नहीं है और नौकरी के लिए मतलब बड़ा इतना खास नहीं है, तो फिल्म ही मेरा एक आखिरी सहारा है। कुछ खाने मिलो ना मिलो बट फिल्म ही बनाते रहूँगा और ये मेरा पहला कदम है और मैं हमेशा ऐसे करते रहूँगा। थैंक यू। लाइट्स ऑफ, अभी मूवी शुरू हो जाएगा। लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली माननीय मंत्रियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर प्लीज ऑन स्टेज आए और हमारे साथ एक यादगार फोटो क्लिक करें प्लीज। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि
आज के कैरेक्टर में शरीक हुए चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर सर, आप दोनों प्लीज इस फिल्म का रिव्यू, आपकी नजर में ये फिल्म आपको कैसे लगी, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप दोनों प्लीज, हम इनकी पहले रिव्यू सुनेंगे, इसके बाद एक मेमोरेबल फोटोग्राफ हम लोग रखेंगे। सर प्लीज ऑन स्टेज आइए। अब सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डायरेक्टर मर्तो प्लीज ऑन स्टेज आइए। ये फिल्म देख कर आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर बेंगिया जी और प्रोड्यूसर आपा जी और जितने भी इस मूवी में जो एक्टर्स हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि बहुत अच्छा मूवी आज इस स्पेशल स्क्रीनिंग में देखने को मौका मिला है। और जो थीम यहाँ पे जो कंसीव किया है वो बहुत ही अच्छा एक थीम कंसीव किया है, खास करके जो ड्रग्स का बारे में और इस ड्रग्स कल्चर को लेते हुए समाज में कितना हानिकारक है और अपना परिवार में कितना डेंजरस है ये, तो इस फिल्म से ये क्लियरली दिखाता है कि ड्रग एडिक्ट होने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है घर में कितना डेंजरस एक प्रॉब्लम होने को है। तो आई थिंक ये जो स्क्रीन जो मार्केट में जब थिएटर में जाएंगे डेफिनेटली पब्लिक इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे एंड द मैसेज जो आप लोग ने कोशिश किया समाज को कन्वे करने के लिए डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और आज ये फिल्म देखने के बाद वैसे हमारा जो गवर्नमेंट है ड्रग्स के ऊपर में हम लोग काफ़ी अभी सिंसियरली हम लोग काम करने का पूरा कोशिश कर रहा है, तो मगर ये जो इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी स्पेशली क्योंकि ड्रग्स जिस परिवार में जो प्रॉब्लम चलता है तो इस हद तक भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं बहुत ही जल्दी इस वैसे बजट में ड्रग्स के बारे में हम लोग ने मेंशन भी किया था मगर उसको और भी हम लोग गहराई से हम लोग चर्चा करते हुए और जितने भी जो एडिक्ट्स है उन लोगों के लिए रिहैब किस प्रकार से किया जाए और ड्रग्स यूजर्स में ऐसे भी काफ़ी लोग होता है कि घर परिवार वाला काफ़ी गरीब परिवार से भी होता है, उन लोगों को रिहैब में लेके जाने वाला उसको केयर कर सके उसका शायद पैसा भी नहीं होता होगा। तो रियली इट वॉज एन आई ओपनर कि अभी गवर्नमेंट को इसको जो गरीब लोग इसमें जो फंस गया है उसको फिर कैसे ड्रग्स से निकले, तो इट वॉज एन आई ओपनर एंड डेफिनेटली समथिंग गुड विल कम अप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वेरी सून। थैंक यू। आपका रिएक्शन, आपको फिल्म देख कर कैसा लगा सर? I think I should just congratulate the team Tava Appa and Bengia Morto and entire actors and actress and the crew members for the wonderful message you are going to pass on to the society. Jo honorable chief minister sir ne kaha, this is not a mission but it is sarkar ne already usko ek war type mein leke gaya hai jo drug abuse ke upar mein, aur ye ek ye film jo hai एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हमारा अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ये आईपीआर का तरफ सरकार का तरफ से हम लोग उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे उसको। तो विद दिस इट शुड जो आज जो फिल्म बनाया है यू शुड नॉट ओनली एक्ट अपॉन इट, आप सिर्फ एक्टिंग नहीं करना है बट देन यू शुड बी एम्बेसडर टू यू नो डिस्करेज द यूथ्स एंड द अदर स्टूडेंट्स नॉट टू टेक द ड्रग। थैंक यू वेरी मच। आप एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है और फिल्म मेकिंग में आप बिल्कुल नए हैं, फिल्म मेकिंग में आप क्यों आए हैं? सबसे पहले सर आप सभी ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ आज। सभी तो वैसे अपना डे टू डे लाइफ में बिजी रहता है, हर अपना सब्जेक्ट में व्यस्त रहता है, लेकिन इस विषय में मेरा तब दिमाग घुमा जब मैंने एक परिवार को देखा और मैंने इसको बहुत ही दिल से ले लिया और इसी विषय में मैं बनाना चाहा। मुझे लकीली मेरा बेटा मोर्तो को मिला और टीम
सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हुआ और मेरा जिंदगी का 30% जो भी कमाई होगा ऐसे चीज में मैं देना चाहूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू। नाउ मोर तो आप बहुत यंग है, आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? अभी कल आपकी फिल्म स्क्रीन पर चलाई जाएंगे और अभी रिएक्शन दे करके अभी आपको फाइनली जो रात दिन आपने मेहनत की वो सामने आई, अभी आपका इसमें रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप दोनों जो बहुत अच्छा से ये फिल्म को देखा शुरू से एंड तक और एक अच्छा रिव्यू दिया है, आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड और मैं अभी बहुत और करेज हो चुका हूँ, बूस्ट हो चुका हूँ और फिल्म बनाने के लिए। एंड देन पब्लिक को मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली अरुणाचल में फिल्म मेकिंग जो बहुत इनिशियल स्टेज है जहाँ पे बाकी जो काम करने वाला लोग अच्छा से अपना लाइफ जी सकते हैं, बट फिल्म मेकिंग में ऐसा है कि आप कभी कभी एक दो महीना भी पॉकेट खाली होकर भी बैठता है, बट फिल्म का वो जो इंटरेस्ट जो है वो जो जिंदा रखता है, तो जो छोटा छोटा वो जो उसमें से उससे मतलब हम फिल्म को बहुत आगे ले जाने का सोचता है। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो फिल्म टेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है, आप देख लीजिए फिल्म, उसका बाद आप जितना सकता है जैसा आप बाहर का मूवीज को जो थिएटर में आप देख परचेस करके देखता है, तो लोकल फिल्म को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का थिएटर में जाने से ही हमारा जो लाइफ जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम थोड़ा सर्वाइव कर सकता है, वही मैसेज है। थी थैंक यू वोकल फॉर लोकल, तो वही सपोर्ट कीजिएगा। और सर 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 प्लीज स्पेशली चूँकि आज प्रीमियर है और मैं चाहूँगा कि आप लोग मैं एक पहले सर से बाइट ले लूँगा कि सर ओमर सर सर ये फिल्म पब्लिक को क्यों देखना चाहिए, दो लाइन फुटेज दे दीजिए क्योंकि कल से स्क्रीनिंग होने वाली है। और दूसरी एक और शिकायत है क्यों देखनी चाहिए एक, और दूसरा ये है कि मोर्तो भाई हमसे कह रहा था कि लोकल स्क्रीन्स पर लोकल फिल्में अच्छी नहीं बनती है करके इनको स्लॉट नहीं मिल रहा है सिनेमा हॉल्स में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नहीं, ये कंसेप्ट बहुत गलत है, अगर ये हमारा जो लोकल हॉल्स में अगर लोग दिखाने के लिए थोड़ा मना कराए तो कोशिश करेंगे हम लोग ही आपका फिल्म को लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ये थिएटर मोबाइल थिएटर है, उसी के जरिए डिस्ट्रिक्ट में हम लोग भेजा गया है, तो वेरी सुन वी विल डिस्कस विद यू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, और इसको लोग देखना बहुत जरूरी है कि ड्रग के जरिए से सोसाइटी को कितना इफेक्ट पड़ता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने जो हमारा सोसाइटी मेंबर्स जो सब है उसको देखना चाहिए। थैंक यू। और सर आपकी तरफ से आपका ये फिल्म यूथ को मतलब अरुणाचली ऑडियंस को ये फिल्म क्यों देखना चाहिए, आपने अभी आपसे दो घंटे आपने गुजारा है सर, क्यों देखना चाहिए सर? बेंगिया जी का जो फिल्म है आई किल्ड माय सन, दिस इज अ वेरी टेरर मूवी, इट इज अ मस्ट वॉच मूवी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगा कि आप सभी माननीय मंत्री सर प्लीज ऑन स्टेज आए और इस यादगार लम्हे को हम कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अरुणाचल के इतिहास में फिर ये दोहराया नहीं जा सकेगा कि ऑनरेबल स्पीकर सर प्लीज सोना सर प्लीज ऑन स्टेज आए। थैंक यू सो मच। और आप सभी आईटी के लिए इनवाइटेड है कैंटीन में, प्लीज आप सभी आए। गाइस अभी अभी मूवी का प्रीमियर सक्सेसफुली हो गया है कंप्लीट, एंड लेट मी टेल यू गाइस मेरा पर्सनल रिव्यू, इतना आई ओपनिंग मूवी था ये मूवी, आई लिटरली क्राइड अ लॉट मूवी का लास्ट पार्ट में, इट वॉज सो हार्ट टचिंग एंड ऑफकोर्स बहुत बड़ा मैसेज है ये सोसाइटी के लिए, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि लोगों के लाइफ में क्या होता है, पेरेंट्स के साथ क्या गुजरते हैं, बच्चों के साथ क्या गुजरते हैं, बच्चों लोग के साथ क्या प्रॉब्लम के वजह से उन लोग ये चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। तो ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको टू साइड का स्टोरी पता चले और हमको भी समझ में आए कि बच्चे लोगों का और माँ पिताजी के ऊपर दोनों के तरफ का कहानी क्या है और क्या बीतते हैं उनके ऊपर। तो ये गाइस मूवी मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था, एंड आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना ये मूवी को, हॉल पे जाके ज़रूर टिकट खरीद के देखना, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई आस्क पर्सनल रिव्यू किसको कैसा लगा है,
तो लेट्स गो एंड आस्क अ रिव्यू गाइस। जय महाभारत रखो। मेरे साथ हमारे बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट, बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट, उसके वॉइस तो सबको पता ही होगा। इनफैक्ट मैं रिसेंटली गोवा ट्रिप गई थी। अच्छा। एंड देन दे वर आस्किंग मी आप कहाँ से है, देन आई सेड अरुणाचल से। ओ अरुणाचल से आपका नाम लिया था पब्लिक, तो आई वाज सो प्राउड, मतलब ना अरुणाचल से बोलती। तो ही इज अनदर देन आपका जेली तामी। सो यस, तो आपको कैसा लगा मूवी का रिव्यू, आपका पर्सनल? मुझे इनफैक्ट मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इसमें एक बहुत एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है पब्लिक को। इनफैक्ट क्योंकि ये जो दिखाना चाह रहा था ना ये मूवी में, तो आई थिंक हर फैमिली में, हर फैमिली में तो नहीं बोलेगा बट मैक्सिमम हर एक फैमिली में कुछ कहीं ना कहीं फैमिली में होता रहता है ये, मतलब ये इशूज़। तो मुझे तो इवन कि मेरे फैमिली में भी हो चुका है, दैट्स वाई मेरे लिए कनेक्ट कर पा रहा था। तो बीच में थोड़ा सा मैं मतलब लाइक थोड़ा इमोशनल भी हो गया सर, यहाँ क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है एक्चुअली। अगर जो जिसके फैमिली में होगा ये वही समझेगा बिकॉज ये एग्जैक्टली क्या है ना, बिकॉज ड्रग्स इज लाइक बिल्कुल अच्छा है ही नहीं ना। सो या मुझे आई लाइक फॉर मी द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप सजेस्ट कर रहे हो सबको जाके देखें? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जो भी आपका भी रिव्यू देखने वाला है, बिकॉज मेरे तरफ से तो प्लीज़ आपकी मूवी को आपको जरूर जरूर देखिए, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनी है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलिए मेरे पापा से, माय डैड। हाय। ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी आई किल्ड माय सन। तो पापा आपका मैसेज क्या होगा मेरा ऑडियंस के लिए? थैंक यू फॉर आस्किंग एवरीथिंग क्वेश्चन। मेरा मैसेज ये रहेगा कि सबको ऐसे कोशिश करते रहना चाहिए जो परिवार बचे, परिवार बचेगा समाज बचेगा, समाज बचेगा हम लोग का ये स्टेट बचेगा और हमारा ये देश बचेगा और हमारा संसार बचेगा। तो ये जो इल्लीगल जो ख़राब जो प्रैक्टिस है इसको इरादिकृत करने के लिए एक ही मीडियम है, जो ऐसे ऐसे नशीला चीज़ बैड हैबिट्स चीज़ को हम सोसाइटी को आईना दिखाएं ताकि ये होने से पहले ही ख़त्म हो जाए और सबका हेल्दी ज़िंदगी हो। इसलिए मैं ये कोशिश किया और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करें और ये मूवी को देखने के बाद हमारा तो किसी का परिवार बचता है या अच्छा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारा परिवार को आप लोग ब्लेसिंग्स कीजिए कि एक ऐसे अच्छा सोच रखने के लिए आगे और शक्ति दें। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा, आप ये आपका पर्सनल रिव्यू ये मूवी देखिए आई किल्ड माई सन? आई किल माई सेल्फ ये मूवी देखने के बाद मुझे एक अपना आप को एक इमोशन कि आज लास्ट सीन को देख के लगा है। इसी तरह अगर हमारा परिवार में इम्पेक्ट होता तो मैं कैसे जिंदगी गुजरूँगा। तो इसीलिए मैं ये मूवी जो बनाया है कि उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर तबा आपा और उन टीम सबको मैं तहे दिल से कि धन्यवाद देता है इस तरह कि हमारे समाज की अच्छाई के लिए इस मूवी एक बना के समाज के ऑर्गेनाइजेशन से एक अवेयरनेस जो दिया गया है। तो मैं तहे दिल से ये मूवी जो थीम को तहे दिल से मैं मानता है ये बहुत अच्छा थीम दिया है और मूवी बहुत अच्छा है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा इस मूवी को हर घर में हर परिवार में समय निकाल के देखना चाहिए, मेरा तो ये है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर इंटरव्यू राउंड भी हो रहा है, आप लोगों को न्यूज़ चैनल में भी देखने को मिलेगा। दैट्स आवर डायरेक्टर, आर्टिस्ट है वहाँ पे जो भी मूवी पे वॉलंटियर है हमारा। आई किल्ड माय सन प्रीमियर जब हो रहा था तो आपने मूवी देखा ना पूरा? मूवी तो देखा है और मूवी का रिव्यू तो बहुत अच्छा है। हाँ। मतलब उसे एक सीखने को मिलता है ना, ड्रग्स हमें यूज नहीं करना चाहिए। मूवी तो बहुत शानदार है, शानदार है ना, अच्छा लगा। आप देखो बोलेगा ना सबको? हाँ। दोस्त लोगों को। हाँ। आप लोग कभी समय मिलने से देखिए। हाँ। जो व्यूवर्स है बस वही है, ये देखते हैं क्या क्या रिफ्रेशमेंट तैयार किया है खाने के लिए। लेकिन
देखिए कितना सारा आइटम्स रखा है। ओ खाने में तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड, बहुत ज़्यादा आइटम है, अनलिमिटेड है, लेकिन मैंने ये लिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐना कहाँ अरुणाचल पहुँच गए। हाँ गाइस, मुझे बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ा ये प्रोग्राम के लिए, सिंस दिस इज़ अ वेरी बिग डे फॉर माय डैड एंड आल्सो फॉर होल अरुणाचल एज ए होल। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मूवी को प्रीमियर करके मिनिस्टर्स और सब लोग जो है सपोर्ट करने आए हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी डेट को मिला के आ गई हूँ। और इससे पहले दो दिन पहले मैं जुकू में थी, तो जुकू का व्लॉग आने वाला है, तो ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत थक गया था जुकू में चढ़ के, बहुत बहुत थक गया था, बहुत मेहनत किया है। आप लोग प्लीज़ गाली मत देना कि व्लॉग बहुत लेट आता है। मैं एवरी डे व्लॉग कर रही हूँ, एवरी डे ट्राई कर रही हूँ व्लॉग करने, व्लॉग दिन भर करती हूँ, शाम को एडिट करते करते सो जाती हूँ। प्लीज़ समझने ट्राई कीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइज, ये वाला आज ही जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूवी जो है कल रिलीज़ हो रहा है, कल थिएटर में आएगा। तो आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहा है, अगर आप लोग ईटानगर नाहरलगुन में है, तो ज़रूर जाना और टिकट खरीदना और ज़रूर सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड ज़रूर मूवी देखना प्लीज़ गाइज, सपोर्ट लोकल, वोकल फॉर लोकल।